माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे तीसरे मेथड को, वो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिशन मेथड को, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाके उन वीडियोस को पहले चेक कर सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को आके देखना ताकि आप लोगों को क्लियरली तीनों मेथड्स इजी वे में समझ में आ जाए। और अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को एंड साथ साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अब वीडियो में। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जो एक हमारा थर्ड मेथड है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में दोनों ही मेथड डिस्कस कर लिए हैं, जो है हमारा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड मेथड। तो सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पर स्टेप वाइज चलने वाले हैं। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करना है GVAMP, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता क्या है, मतलब हम लोग अगर हमारे पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो है हमारा GVAMP। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, GVAMP को, इसीलिए तो हम GDP MP बोल सकते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में भी समझाया था GDP MP क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर GVAMP को हम लोग GDP MP भी बोल सकते हैं। तो GVAMP और GDP MP दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अगर तुमसे पूछा जाए कि GVAMP कैलकुलेट करना है तो। अब यहाँ पर हमने ऐड करना है प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ था और टर्शरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ था। तो हमारे तीन सेक्टर्स होते हैं इस पूरे इकोनॉमी में, तो इन तीनों सेक्टर से जो भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज, जो भी फाइनल चीज़ें हो रही हैं, वो उसका मार्केट वैल्यू ही हमारा GVAMP होता है। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जो हम फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जितना भी गुड्स वगैरह हम बना रहे हैं उसका टोटल। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट से, जिसमें से हम लेस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इधर एक्सप्लेन करूंगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जितना भी हमने गुड्स या सर्विसेज जो भी बनाए हैं, उसको क्या हम लोग अपने घर पे ही रखने वाले हैं, नहीं रखने वाले। हमने अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये है कि हम उसको आगे जाके सेल आउट कर देंगे। तो या तो हम लोग कुछ पार्ट अपना सेल कर देंगे और कुछ पार्ट जो है वो हम लोग अपने स्टॉक के लिए रख लेंगे कि फ्यूचर में हम लोग उसको सेल आउट करें। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये हमारा निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेल्स डायरेक्टली जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया हो, तो सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हमने किसी भी चीज का सेल किया, फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपीज की कोई चीज सेल करी, तो 1000 रुपीज की सेल करी, हमें निकालना है कितनी क्वांटिटी में सेल करी गई है या क्या प्राइस पे थी। हम लोगों को प्राइस मेंशन है कि हाँ 10 रुपये का ये मार्कर है और मैंने 10 क्वांटिटी सेल करी, तो 10 × 10 हो जाएगा हमारा सेल, जो टोटल सेल्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी जो है हमारा सेल्स। तो कभी कभी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी होती तब हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एक और तरीका है सेल्स का, वो ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इंडिया के अंदर ही हम लोग उसको सेल करेंगे, हम बाहर भी सेल कर सकते हैं, हम इंडिया के अंदर भी सेल करेंगे कुछ और कुछ बाहर भी करेंगे। तो सेल्स का दूसरा फॉर्मूला बनता है डोमेस्टिक सेल्स, मतलब इंडिया के अंदर जो हमारी सेल हुई है वो, प्लस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बाहर बेचते हैं, बाहर जाने देते हैं या बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाहर हम लोग भेज रहे होते हैं, उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स का डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, इंडिया के अंदर जो भी सेल हुई है साथ साथ में एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के बाहर जो भी हमारी सेल हुई है। तो यहाँ से हमारा निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये तो मैंने सेल्स का पार्ट समझा दिया, अब हमारे यहाँ पे चेंज इन स्टॉक वाला पार्ट। तो चेंज इन स्टॉक बेसिकली क्या होता है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, चेंज इन स्टॉक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमारा कितना,
हमारा कितना स्टॉक जो था एट द एंड बचा था माइनस जितना हमने स्टार्टिंग में किया था, तो जो भी अब हमारे पास बचा हुआ है वही हमारा चेंज इन स्टॉक रहता है। अब ये तो था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट। अब है हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी तरीके के जो बेसिक हमारे खर्चे हुए हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, ध्यान रखना है इसमें लैंड और ये जितनी भी हमारे फिक्स एसेट्स वाली चीजें उनके खर्चों की बात नहीं होगी। यहाँ पर बेसिकली बात होगी रॉ मटेरियल्स या भी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यह फॉर्मूला बनता है वो है हमारे रॉ मटेरियल्स प्लस इम्पोर्ट्स। अब मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट्स क्यों लिया है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर ही उसका इनपुट मिले, या फिर हम बोल सकते हैं उसका कोई भी रॉ मटेरियल अगर मुझे बनाना है वो हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ का रॉ मटेरियल तो मैं मान के चल रही हूँ कि इंडिया के अंदर ही है, और इम्पोर्ट्स मतलब अगर मैं बाहर से कोई चीज़ को इम्पोर्ट करवा रही हूँ ताकि मैं अपने इंडिया के अंदर गुड्स या सर्विसेज बना सकूँ या दे सकूँ। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो आ जाएगा मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ से हमारा निकल गया था, यहाँ से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल गया, तो हम अब यहाँ पे फॉर्मल इनपुट कर सकते हैं दैट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये निकल जाएगा हमारा वैल्यू एडेड। अब जब हमारे पास वैल्यू एडेड आ गया है मतलब हमारे पास जीवीएमपी आ गया है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जीडीपीएमपी आ गया है। तो जब हमारे पास अब जीडीपी एमपी आ गया है तो क्या ये नेशनल इनकम है, नहीं है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो जब जीडीपी एमपी आ गया है तो हम उस एग्रीगेट को यूज करते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी निकालना है और जीडीपी एमपी हमने यहाँ से निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस क्यों, क्योंकि ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे, तो हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लोग एनआईटी को लेस करेंगे, और फिर जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम एनएफआईओ को ऐड करेंगे। तो ये सारा ये जो भी हमारा एग्रीगेट हमने यूज किया हुआ है इससे निकल के आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक इलस्ट्रेशन जो हमारे इस मेथड पे बेस्ड है। तो यहाँ पर मेंशन है डोमेस्टिक सेल्स जो हमें 4000 दे रखा है, फिर दिया है यहाँ पर एक्सपोर्ट जो कि 1000 है, फिर है परचेजेस जो कि 200 दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू एडेड ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों को नॉर्मली लिखना है वो फॉर्मूला जो वहाँ ऑलरेडी मेंशनड है दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आप लोगों को समझाया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली हमें जरूरी नहीं दिया हो तो हमें कुछ भी चीजें और दे सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू आउटपुट होता है हमारा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। एक ये वाला फॉर्मूला था जिसमें हमने सेल्स और चेंज इन स्टॉक वाली चीज ली थी। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स हम लोगों के यहाँ मेंशन है, तो मैंने यहाँ इन दोनों को ले लिया 4000 और 1000 को। फिर मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ऑलरेडी मेंशन है कि परचेजेस दे रखे 200। अब ध्यान रखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो मैंने बताया था वो हमारे परचेजेस तो थे जो हम लोगों ने डोमेस्टिक परचेज किया था रॉ मटेरियल, तो इसीलिए यहाँ पर परचेजेस दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये है हमारा 200। जब मैंने 5000 माइनस 200 किया तो मेरा आ गया 4800 जो कि है मेरा वैल्यू एडेड। अब ये तो था हमारा वैल्यू एडेड का। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों को जीवीए एमपी से एनएनपीएफसी में जाना होगा। अब हम लोग हमारा एक सेकेंड इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसमें मुझे कैलकुलेट करना है जीवीएफसी। ध्यान रखना जीवीएफसी कैलकुलेट करना है, जीवीए एमपी कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है सेल्स जो कि है 500, ओपनिंग स्टॉक दिया है 30, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20, सब्सिडीज हमें मेंशन है 40, परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हम लोगों को मेंशन है 30। क्वेश्चन देखते ही हम सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है हम लोगों को यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने कि हमारा जीवीएएमपी है, जीवीएएमपी हमारा हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो डायरेक्ट हम लोगों का दे ही रखा है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्टली नहीं दिया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों ने निकाल लिया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन स्टॉक।
तो यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मेंशन पे सारी चीजें बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 500 तो हमें सेल्स दिया है, फिर मैंने ब्रैकेट में ले लिया 20 हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 30, तो ये 20-30 हो जाएगा। फिर मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यहाँ पर माइनस किया हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितने दिए हैं 300, तो यहाँ पर 300 आ गया। फिर है 500 माइनस 10 कैसे इनको सॉल्व करके, 500 माइनस 10 माइनस 300, उसके बाद मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया यहाँ पे GVAMP जो कि है 190 करोड़। तो 190 करोड़ हम लोगों का यहाँ पर आ गया GVAMP। लेकिन क्या हम लोगों को यहीं तक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था? नहीं करना था, हमें सॉल्व करना है GVAFC। अब GVA सेम है और MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं, NIT को लेस करते हैं। अब NIT तो हमें कहीं पर भी नहीं दिया है, तो NIT का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज में भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, सिर्फ सब्सिडीज दी है, तो सब्सिडीज जब अंदर माइनस में रहती है, यहाँ पर माइनस 40 आ गया क्योंकि यहाँ पर 40, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 40 दे रखा है, तो ये माइनस 40 आ गया। अब माइनस 40 यहाँ पर आ गया तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 190 प्लस 40 जो कि है हमारा 230 करोड़। तो ये मेरा आ गया GVAFC। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है वो भी अब समझ में आ चुका होगा। तो हमारे तीनों मेथड्स बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब हमारे कुछ आगे वाले वीडियोस में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग मेरे यहाँ पर दिए गए नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि क्रैश कोर्स और जो हम लोगों का एनरोलमेंट है उसका अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सीट्स को अवेल करें।